टू माई चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोग को बताऊंगी बहुत ही गोरे फेस पे गोल्ड ब्लीच कैसे करें। ये वाला ब्लीच है, इसको कैसे करना है ये मैंने पूरा प्रॉपरली अच्छे से समझा के बताया हुआ है। तो किस तरीके से करना है आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा। और इसके फ़ायदे हैं कि आपकी स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स होती हैं, रिंकल्स, छाइयाँ, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करता है और आपके हेयर, फेशियल हेयर को फेस के कलर में मेंटेन कर देता है। मतलब पता नहीं चलता है कि आपके फेस पे फेशियल हेयर है। तो बहुत ज़्यादा गोरे लोगों के लिए बता रही हूँ। और इससे पहले भी मैंने ब्लीचिंग की वीडियो बहुत सारी अपलोड की है, तो आप चेक कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। फेशियल, मसाज, क्लीनअप सबकी वीडियो अपलोड की है, तो आप देख लीजिएगा। तो आज मैं बताऊँगी गोल्ड फेशियल, नेचर्स का गोल्ड फेशियल बहुत ज़्यादा गोरे लोगों पर किस तरीके से करना है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा अच्छे से फाइनल लुक देखने के लिए। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके भी स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं और बहुत ज़्यादा गोरे हैं, तो इस तरीके से आप जरूर अप्लाई कीजिएगा फेस पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर लेना ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लीच रेडी करने जा रही हूँ। तो आप ये देख सकते हो मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के नीचे मेरी बेटी ने कलर लगा दिया है बट अंदर से कोई कलर नहीं आ रहा, तो प्लीज़ डोंट माइंड एंड इग्नोर इट। तो ये है गोल्ड ब्लीच, नेचर्स कंपनी का है, तो बहुत ही अच्छा कंपनी है ये। इसमें इस तरीके के पैकेजिंग में है ये, और ये डब्बा है, इसमें क्रीम है और एक्टिवेटर आपको अंदर एक डिब्बे में दिख रहा होगा। तो आपको जितना अपने फेस पे अप्लाई करना है उस हिसाब से एक्टिवेटर ले लीजिए। और मैं जिनको ब्लीच कर रही हूँ, ये मेरी सिस्टर इन लॉ हैं और इनको ब्लीच कर रही हूँ और ये बहुत गोरी भी हैं, तो इनके थोड़ा सा एक्टिवेटर हार्ड भी लोगे तो चलेगा। इनका फेस बहुत ज़्यादा दिन से डल सा हो रखा था, जैसे गर्मियों में पता ही है एक लेयर सी लगती है कुछ फेस पे इकट्ठा हो गया गर्मी की वजह से, तो उस तरीके से हो रखा था। तो इनको अच्छे से मतलब क्लीन चाहिए था फेस, तो इसलिए मैंने ये ब्लीच एक्टिवेटर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। और अगर आप सांवले और मीडियम कलर के लोग हैं तो आप सांवले और मीडियम कलर के हो तो प्लीज़ थोड़ा सा कम एक्टिवेटर लीजिएगा, नहीं तो आपकी जो फेशियल हेयर है ना वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे और पता चलेगा कि आपने ब्लीच किया हुआ है। तो स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको ब्लीच करना होता है। तो इससे पहले मैंने सांवले लोगों पर और मीडियम कलर के लोगों पर भी ब्लीच करना बताया हुआ है, तो आप चेक कर लेना। तो ये देखिए, इनके लिए मैंने इतना एक्टिवेटर लिया था, इतना एक्टिवेटर बहुत ज़्यादा गोरे लोग हैं तभी लेना है, नहीं तो आप कम एक्टिवेटर लीजिएगा। और सांवले लोगों पे एकदम थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, बस इतना लेना है कि ग्लो आ जाए। ओके, तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी मिक्स करके। और जो आपका फेस, जैसे कस्टमर को आप पहले क्लिंजिंग मिल्क से फेस को अच्छे से साफ़ करोगे, तो चलिए मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है आपको फेशियल, सॉरी फेशियल ब्लीच। तो ये है मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी बेटी यहाँ से जा ही नहीं रही थी, तो ये यहाँ पर बैठी, मैंने इसको डांटा था इसलिए इसने मुँह बना रखी है ऐसे रोने रोने जैसा। तो मैंने पहले टॉवल लगा दिया है। आप कभी भी फेशियल या ब्लीच करते हो तो पहले टॉवल और बैंड जरूर लगा दें। टॉवल लगाने से क्या होगा कि कस्टमर के कपड़े नहीं ख़राब होंगे और बैंड लगाने से हेयर नहीं ख़राब होंगे, तो इसलिए आप इन दोनों चीज़ों को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया, अब मैं क्लिंजिंग मिल्क लूँगी। तो ये देखिए, ये वाला क्लिंजिंग मिल्क लिया है मैंने यहाँ पर, ये देखिए आई थिंक दिख रहा हो आप लोग को, सुपर्ब का एक्स्ट्रा क्लिंजिंग मिल्क है, बहुत ही अच्छा है, हर्बल है। तो अभी इनके फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी और इसको मसाज दूँगी ताकि सारी डर्ट और गंदगी फेस से निकल जाए, उसके बाद से ब्लीच अप्लाई करनी है। थोड़ा सा पानी ले लेना हाथ में या गुलाब जल, उसको अच्छे से ठोड़ी पे इस तरीके से अपर लिप्स पे, नोज पे और फोरहेड पे, आइज पे इस तरीके से अप्लाई करना है और अच्छे से 5 से 10 मिनट तक इसको मसाज करना है। ओके, जब पूरा अच्छे से मसाज कर लोगे फिर इसको साफ़ कर देना है। तो आप देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं अपनी चेयर को सेट कर ले रही हूँ, थोड़ा ऊंचा लग रहा था तो मुझे मसाज करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं चेयर को थोड़ा सा नीचे कर लिया अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। और इस तरीके से मसाज करना है ठोड़ी पे, नोज पे, आईज पे, फोरहेड पे अच्छे से अप्लाई करना है। तो अच्छे से मसाज करके इसको पूरा जितना भी मतलब डर्ट वगैरह है वो स्किन से रिमूव कर लेना है। और जब अच्छे से मसाज हो जाए इसको स्पंज की मदद से, पानी में स्पंज को डीप करके और पूरे फेस पे से क्रीम आपको क्लिंजिंग मिल्क निकाल देनी है। ओके, तो मैं अभी भी मसाज कर ही रही हूँ, 5 से 10 मिनट तक करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आप मसाज करते रहिए, उससे आपकी
स्किन में जितनी भी गंदगी है वो ज़्यादा अच्छे से निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए स्माइल पास कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये लगभग मसाज कंप्लीट हो गई है, ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको स्पंज की मदद से साफ़ कर लेती हूँ, और जब पूरा साफ़ कर लेंगे तो वो ब्लीच जो मैंने रेडी करके रखा हुआ है पहले से, उसको फेस पे अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करना है वो आप देख लीजिए, थोड़ा भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, हर जगह कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। पूरे वीडियो में कुछ ना कुछ बताते ही रहती हूँ मैं। तो ये मैंने साफ़ कर लिया, तो अभी चलिए ब्लीच अप्लाई कर देते हैं। ब्लीच को आपको फेस पे 15 मिनट के लिए छोड़ना है, उसके बाद फिर साफ़ कर लेना है। तो ये मैंने ब्लीच रेडी करके रखा हुआ था, इसको अप्लाई कर लेते हैं। और जब भी आप ब्लीच अप्लाई करते हो एकदम आराम से करिए, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी। और अपने आईब्रो के हेयर और अपने हेड के मतलब सिर के बाल और पल के आईलेस जो है उनको बचा के पूरे फेस पे अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो इस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद से थोड़ा सा मसाज दे दीजिए फिंगर से ही। मसाज देने से क्या होता है कि क्रीम का जो क्रीम के अंदर जो भी मतलब चीज़ें होती हैं वो स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती हैं, और आपकी स्किन पे अच्छे से वर्क करता है कोई भी क्रीम हो। तो जब भी आप ब्लीच वगैरह भी अप्लाई कर रहे हो और स्किन पर ज़्यादा डार्क स्पॉट है तो थोड़ा सा हल्के हाथों से मसाज ज़रूर दीजिए। ओके, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया है, अब मैं इसको अच्छे से मसाज दे देती हूँ थोड़ा। ये देखिए इस तरीके से आपको मसाज दे देना है, इससे आपकी स्किन का जो भी वर्क होता है काम होता है वो आपकी स्किन पे अच्छे से करता है। क्रीम का जो भी वर्क होता है जो ब्लीच का काम है वो आपकी स्किन पे अच्छे से करेगा, स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। ये मैंने लगा लिया, अब जो भी आपके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग गई हो आईब्रो पे या फिर कहीं भी जहाँ पर आपको नहीं लगाना है तो आप वहाँ से इसको क्रीम को रिमूव कर दीजिए इस तरीके से। ओके, तो ये मैंने रिमूव कर दिया, अब इसको 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे और इसको मतलब स्पंज से साफ कर लेंगे। तो 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसको। तो ये 15 मिनट हमारा हो चुका है और क्रीम ऐसी हो चुकी है सूख के। अब मैंने इसको साफ कर लिया है और आप देख सकते हो कितना अच्छा सा ग्लो आया है, इनको भी बहुत पसंद आया। प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि और भी लोग अपना ब्लीच खुद से कर पाएँ। समझ में आ गया होगा कि गोल्ड ब्लीच आपके फेस पे कैसे अप्लाई करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना, सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबा देना, दबाते ही बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर देना, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे सपोर्ट करिए।